सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में किस वेटिंग नंबर पर एडमिशन मिल सकता है। वेटिंग नंबर का मतलब होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, यानी कि अगर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें से कोई एडमिशन नहीं लेता है या किसी कारण से अगर उनको एडमिशन नहीं मिलता है सिलेक्शन होने के बाद भी, तो फिर जो वेटिंग लिस्ट में है उनको जो है मौका मिलता है एडमिशन का। केंद्रीय विद्यालय ने जो है पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है और सेकेंड जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आज जारी करेगा, और बहुत स्कूलों ने सेकंड जो लिस्ट है सिलेक्शन लिस्ट वो भी जारी कर दी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस वेटिंग नंबर पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, या वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको एडमिशन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, इस दोनों बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे इसके लिए, ये कुछ इस तरह का लॉटरी रिजल्ट है और इसमें आप देख सकते हैं लॉटरी नंबर और वेट लिस्ट नंबर दोनों यहाँ दिए गए हैं, यानी कि जिनका इस तरह से दिखा रहा है सिंपली नंबर दिखा रहा है तो इनका मतलब उनका तो कंफर्म एडमिशन होगा ही होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये रहती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सही होने चाहिए। अब दोस्तों, इसी में हम नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि इस स्कूल में 30 सीटें केवल हैं कक्षा एक के लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं 30 के बाद 31 में जो 31वां नंबर है वो WL यानी वेट लिस्ट और फर्स्ट, इसी तरह 32 में वेट लिस्ट सेकंड, और इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन यहाँ पे वेटिंग में दिखा रहा है। तो दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट है ये आपने देख ली है, इसमें कम से कम आपके 15 बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं तो जो ये बच्चे हैं जिनकी जिनके जो है लॉटरी रिजल्ट में वेट लिस्ट भी लिखा हुआ है, WL लिखा हुआ है और नंबर दिया हुआ है, इनमें से किन बच्चों को एडमिशन मिल सकता है या इनका जो है चांसेस रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं सबसे पहले कि जैसे कि ये जो बच्चे हैं जिनका कि सिलेक्शन हो रखा है, जिनका कि नंबर नॉर्मल यहाँ दिखा रहा है, लॉटरी नंबर दिखा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो दोस्तों सबसे पहले जब एडमिशन शुरू होंगे, इनके जो एडमिशन अब शुरू हो चुके हैं क्योंकि, तो इनके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जाता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और इनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि जैसे इनमें 3 स्कूलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका कि एक स्कूल में किन्हीं किन्हीं का दोनों स्कूल दो दो स्कूल में नाम आ जाता है, और किसी किसी का तो 3 ही स्कूल में नाम आ जाता है, तो एडमिशन तो किसी एक ही जगह लेगा तो इसलिए दो जगह उसकी एक एक सीट खाली हो जाती है। इसी तरह कोई बच्चा अगर एडमिशन जब फॉर्म भरे थे तब वो उस शहर में था और जब रिजल्ट आया तो हो सकता है उनके जो पेरेंट्स हैं उनको उस शहर से बाहर जाना पड़े, किसी और शहर में शिफ्ट होना पड़े, तो इस तरह से के भी सीट खाली हो जाती है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं है तो इसमें तो खैर ज़्यादा नहीं आपको मिल सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स गलत होने पे या डॉक्यूमेंट ना होने पे 90 दिन का टाइम दिया जाता है, तो उसको आप 90 दिन में सही करवा सकते हैं, तो इसका तो कुछ खास असर नहीं पड़ता है एडमिशन में। लेकिन कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं कि आपको जो है किन्हीं और कारण से एडमिशन नहीं मिलता है, तो जो जैसे 30 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है तो इसमें से 1, 2, 3 सीटें खाली हो ही जाती हैं लगभग लगभग, ये हमेशा नहीं होता और हर स्कूल में नहीं होता, बहुत सारे स्कूलों में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो सारे के सारे उन्हीं का एडमिशन केवल होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर है तो 4थे और 5वें नंबर तक हम मान सकते हैं कि एडमिशन मिलने के जो है चांसेस और थोड़ी बहुत गुंजाइश रहती है। फर्स्ट, सेकेंड जो है वेट लिस्ट उनका जो है 70% चांस ऐसे हम मान सकते हैं कि उनको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि एक या दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने जो है 2-3 स्कूल में आवेदन किया था और उनमें से 2 जगह उनका नाम आ गया, तो एक जगह उनको एडमिशन लेना है, दूसरी जगह नहीं लेना है, इस तरह से जो है कुछ सिलेक्टेड बच्चे जो हैं कम हो जाते हैं, और एक आध बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कि शहर से बाहर जैसे कि मैंने बताया तो इस तरह से भी 1-2 सीटें खाली हो सकती हैं, और ये चांसेस बहुत कम रहते हैं, रेयर चांसेस हैं। लेकिन इनमें से 30 बच्चों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा कि जिनका कि एक जगह जो है
और भी कहीं नाम आया होगा, तो ये क्योंकि 30 केवल हैं और किन्हीं कुछ स्कूलों में 40 बच्चे लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो 3 और 4 5 जो नंबर तक हैं वेटिंग लिस्ट में, इनका चांसेस रहता है थोड़ा कि इनका जो है एडमिशन हो सकता है। तो इनमें से जो फर्स्ट और सेकंड है इनका 70 से 80% आप मान सकते हैं, और 3 4 5 का जो है आप 30-40% तक थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि इनको भी सीट मिलने की गुंजाइश रहती है। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आपका जो वेटिंग लिस्ट में नंबर आने पर एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अगर आपके बच्चे का जो है नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आपको वैसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, इसमें बहुत रेयर चांस है कि आपके बच्चे को वेटिंग लिस्ट में नंबर आने पे एडमिशन मिल पाए। और वो भी अगर 5 से ऊपर आपका वेटिंग नंबर है तो आप तो फिर उम्मीद ना करें कि आपको एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक है तो आप कुछ समय के लिए ये सोच सकते हैं कि कोई एडमिशन ना ले तो आपके बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। अगर इसमें एक और चीज़ एक मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो कैटेगरी SC ST या OBC की है तो इसमें जो कुछ ऐसी सीटें कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहां की SC ST या किसी इन जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं इसके जो है आवेदन कम होते हैं, तो उस स्कूल में आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो है नोटिफिकेशन निकाला जाता है 8 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, आपको देखते रहना है और वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना है। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में नंबर आने पर एडमिशन कैसे मिलेगा, किस वेटिंग लिस्ट तक आपको एडमिशन मिलेगा, ये मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप पाँचवा जो वेटिंग नंबर है उससे ऊपर आपको कतई इंतज़ार नहीं करना है। और अगर केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।